एटलस क्रॉलर्स के लास्ट वीडियो में मॉन्टरे टाउन एक्सप्लोर करने के बाद आज हम निकल गए हैं प्लेजेंटन कैलिफोर्निया की ओर। आज पूरा दिन रोड ट्रिप्स पर ही बीतेगा एज वी ट्राई टू गेट टू द योसेमिटी नेशनल पार्क बाय द इवनिंग। प्लेजेंटन बे एरिया के ईस्टर्न पार्ट में एक अपस्केल सबर्ब है। प्लेजेंटन में हमारे कुछ फ्रेंड्स को पिकअप करके हम निकलेंगे योसेमिटी नेशनल पार्क की तरफ। से कुछ दो घंटा ड्राइव करके हम प्लेजेंटन पहुंच चुके हैं। एंड व्हाट अ प्रिटी टाउन दिस इज। बहुत ही साफ सुंदर और शांत सा सबर्ब है। जब फ्रेंड्स के साथ ट्रिप हो रही हो तो क्या आप पंक्चुअलिटी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? हम थोड़ा लेट हो गए हैं शुरू करने में और अब हो रही है शाम। वी आर गोइंग टू ओकहर्स्ट जहां हम नाइट स्टे करेंगे। ओकहर्स्ट नेशनल पार्क के एंट्रेंस से 20 किलोमीटर पहले एक छोटा सा टाउन है। एंड यू नो वी लव टू एक्सप्लोर स्मॉल टाउन्स। रोड ट्रिप की शुरुआत ही कुछ स्टनिंग सनसेट व्यूज के साथ हुई है। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन आई से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक सनसेट व्यूज वी हैव एवर विटनेस्ड। क्या खूबसूरत ड्राइव है ये। अमेरिका और यूरोप के रोड ट्रिप्स में सबसे ज्यादा पसंद है कि कितने सारे पिट स्टॉप्स आप ले सकते हैं, सिर्फ ब्रेक के लिए ही नहीं बल्कि कुछ खाने के लिए और इन एरियाज के अर्बन एरियाज से थोड़ा अलग कुछ देखने के लिए। यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है, सबवे है, पेट्रोल पंप्स हैं, रेस्ट एरियाज हैं, सो दिस इज क्वाइट अ गुड स्टॉप। लेकिन योसेमिटी नेशनल पार्क या उसके आसपास के किसी टाउन की तरफ सनसेट के बाद ड्राइव करके आना इज नॉट अ गुड आइडिया। आज जैसा आपको पता है हम लोग लेट हो गए और बहुत डरावने रास्तों से ड्राइव करते हुए ओकहर्स्ट आना पड़ा। ओकहर्स्ट करीब 8:15 बजे पहुंचे और हमने कुछ खाया और अब हम लोग हमारी होटल आ चुके हैं। वी आर रेडी टू हिट द बेड बिकॉज आज का दिन मॉन्ट्रे से प्लेजेंटन से ओकहर्स्ट तक काफी लंबा रहा। सो अब हम सीधा मिलेंगे सुबह में। गुड मॉर्निंग गाइज, हमारे रूम से देखिए क्या नज़ारा दिख रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू दिस इज। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बाकी सब अभी भी रेडी हो रहे हैं। सो मैं धूप सेकने बाहर आ गया हूँ। टेम्परेचर है लगभग 12-13 डिग्री, हल्की हल्की हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, अब फटाफट थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं और फिर योसेमिटी नेशनल पार्क देखने जाएंगे। गाइस, हमने योसेमिटी नेशनल पार्क में एंट्री ले ली है। कार के लिए हमने दिए हैं $35 और इंडिविजुअल्स के लिए $20 पर पर्सन, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपीज फॉर द कार और लगभग 1,600 रुपये फॉर एवरी इंडिविजुअल। ये स्टैंडर्ड टिकट है पार्क के अंदर जाने के लिए और ये 7 दिन तक वैलिड है। और ये देखिए आ गया हमारा सबसे पहला व्यू पॉइंट ऑफ द नेशनल पार्क। यह है एल कैपिटान व्यू पॉइंट। एल कैपिटान बहुत ही बड़ा रॉक है, ग्रेनाइट से बना है। ये पत्थर सी लेवल से इसकी समिट तक की हाइट लगभग 7,000 फीट की है। ये रॉक लगभग 3,000 फीट लंबा है। एल कैपिटान सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज का पार्ट है विच स्पैन्स अक्रॉस द योसेमिटी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं। हम एक्चुअली पार्क के अंदर ही रुकना चाहते थे लेकिन क्योंकि ये ट्रिप बहुत ही लास्ट मिनट प्लान हुई थी और ऊपर से ये हैलोवीन वीकेंड है तो
हमें अंदर रुकने के लिए एक भी जगह नहीं मिली। बहुत सारे लोग नेशनल पार्क में कई दिन बिताते हैं, लेकिन हम सिर्फ पार्क से होकर गुजरने वाले हैं, कुछ साइट्स देखेंगे, ड्राइव का मजा लेंगे, क्योंकि हम यूएसए में सिर्फ एक वीक के लिए ही हैं। योसेमिटी नेशनल पार्क में ग्लेशियर और वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि कैलिफोर्निया में पिछले कई सालों से ज्यादा बारिश नहीं हुई है, मोस्ट वाटरफॉल्स पूरी तरह से सूखे हैं। सो वाटरफॉल्स तो हम लोग देख नहीं पाए, बट हमने एक और पिच स्टॉप ढूंढ लिया है। वेलकम टू द योसेमिटी वैली लॉज, नेशनल पार्क के अंदर बहुत ही फेमस लॉज। यहाँ रुकना हो तो कॉस्ट ऑफ स्टे इज अप्रॉक्सीमेटली 30-40,000 रुपीज अ नाइट, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कुछ खाएंगे, थोड़ा रिफ्रेश करेंगे और आगे चल पड़ेंगे। सो गाइज, लंच हो गया है। ये जगह इतनी सुंदर है, यहाँ इतने सारे लोग होने के बावजूद यहाँ काफी शांति है। नेशनल पार्क में कहीं रहने का चांस मिलता तो मजा ही आ जाती। जबरदस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, सच में ये पार्क बहुत ही सुंदर है। ऑल्सो फॉल सीजन चल रहा है, सो ऑफकोर्स फॉल कलर्स मेक एवरीथिंग लुक सो मच बेटर। और ये देखिए एक और शानदार सा व्यू पॉइंट, इतने लंबे पेड़ और इतनी बड़ी चट्टाने, और ये सारी वैलीज देख करके तो अलग ही इंस्पिरेशन मिल रहा है। एक और सुंदर स्पॉट हमने ढूंढ लिया है और आ गए हैं लेक टनाया पर। आइस एज में बना हुआ यह लेक सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ का पानी एकदम प्रिस्टीन है और टर्कोइज ब्लू है। तनाया का मतलब एक नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज में लेक ही होता है। ये नेशनल पार्क का बहुत ही पीसफुल स्पॉट है और यहाँ गिने चुने 4-5 और लोग हैं, सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव द एंटायर प्लेस टू आवरसेल्व्स। सुकून सा समय स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं साउथ लेक ताहो की तरफ, विच इज अ टाउन बाय द लेक ताहो। तनाया लेक से तो जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, एंड दैट्स द थिंग अबाउट दीज प्लेसेस लाइक द नेशनल पार्क, आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि आप आसानी से 3-4 दिन यहाँ नेचर के बीच स्पेंड कर सकते हैं। और
ये देखिए कुछ ऐसा लगता है तनाया लेक ऊपर से, और हम लोग कुछ ही देर पहले वहां नीचे लेक का मजा ले रहे थे। क्या आपको यहाँ के कुछ एरियाज लद्दाख जैसी नहीं दिख रही? और दिखनी भी चाहिए, बिकॉज बोथ योसेमिटी नेशनल पार्क और लद्दाख में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि दोनों ही एरियाज आइस एजेस में ग्लेशियर एक्टिविटीज से बनी है, दोनों ही जगह पर ग्रेनाइट फॉर्मेशंस काफ़ी कॉमन है, और दोनों ही अपने अल्पाइन लेक्स के लिए बहुत मशहूर हैं। आप जो सामने ये लेक देख रहे हैं, ये मोनो लेक है जो एक नेचुरल वंडर है। 7.5 लाख साल से भी पुरानी ये लेक इस इलाके के माउंटेन से भी ज़्यादा पुरानी है। ये लेक की कोई आउटलेट नहीं है, सो यहाँ का पानी ओशन के पानी से 3 गुना ज़्यादा खारा है। आपको इस लेक में काफ़ी सॉल्ट डिपॉजिट्स दूर से ही दिख रहे होंगे। कोई दूसरी दुनिया के लेक जैसा दिख रहा है ना, मोनो लेक उसी के लिए फेमस है। पेट्रोल भराने के लिए हम लोग रुक गए हैं ब्रिज पोर्ट में। अगेन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, और यहाँ का पेट्रोल का दाम बहुत महंगा है, लगभग $7.50 पर गैलन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 162 रुपीज़ पर लीटर। और इन सुंदर नज़ारों के साथ हम लोग पहुँच गए हैं साउथ लेक टाहो टाउन में। आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और एटलस क्रॉलर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अंटिल द नेक्स्ट वन गाइस।